बस 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 बस। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू और आज हम लोग ज़ाइलो D2 में काम करने वाले हैं, जो कि 2010 का मॉडल है। और इस गाड़ी में एक अजीब सी विचित्र सी प्रॉब्लम हुई है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इग्निशन को ऑन करते हैं। इग्निशन हमारा ऑन हो गया। अब इसमें सेल्फ मारते हैं तो देखिए, ये स्टार्ट जैसी हो रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। और यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। और RPM में भी, मतलब जो थोड़ा सा राउंड होना चाहिए इंजन का, वो कहीं हद तक दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखा रहा है। तो अभी हम लोग इसमें एक बार जो इसके इंजेक्टर हैं, इसमें अक्सर जाता है शक कि इंजेक्टर हमारे वीक हो गए, तो एक बार मैं आपको आगे से सेल्फ मार के दिखाता हूँ इंजन कितनी तरह से हिल, कितनी बुरी तरह से हिल रहा है। तो एक बार आगे सेल्फ मार के दिखाते हैं। तो देखिए, अब इसका सेल्फ हम लोग लगवा रहे हैं और देखिए इंजन की हालत क्या है। भाई सेल्फ लगाइए ज़रा। बस 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 बस। तो फ्रेंड देख रहे हैं इंजन कितनी बुरी तरह से हिल रहा है और इंजेक्टर ऐसा लगता है खट से आवाज़ आती है, ऐसा लगता है इंजेक्टर की आवाज़ है ये। तो हम लोगों ने इसमें जो टेस्टिंग की है, इंजेक्टर को, चारों इंजेक्टर को चेक कर लिया है। और दरअसल इसका फॉल्ट फ्रेंड मैंने ढूंढ लिया क्या है, लेकिन अक्सर हम लोग कहीं फंसते हैं जब, तो इस तरह के फॉल्ट अगर आते हैं तो हम लोग कैसे आसानी से सही कर सकते हैं, तो उसी वजह से मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, इंजेक्टर इसके सारे चेक कर लिए गए हैं और जो इसका क्रैंक सेंसर लगा होता है, इसका क्रैंक सेंसर गियर बक्से में लगा होता है और कुछ मॉडल में क्रैंक सेंसर इसका जो अल्टरनेटर लगा उसके नीचे आता है। और जिसका टाइमिंग सेंसर लगा है वो भी हम लोगों ने दूसरी गाड़ी का लगा के चेक कर लिया है। तो टाइमिंग सेंसर, क्रैंक सेंसर, इंजेक्टर हम लोगों ने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन ये फॉल्ट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और जब इसमें स्कैनर लगवाया गया तो उसमें भी कुछ ऐसा शो नहीं किया। तो अब इसका फॉल्ट कहाँ है तो मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ क्या है इसमें मामला। तो इसके जो भी सेंसर हैं, जिसमें इसमें किसमें कितना करंट आना चाहिए, क्रैंक सेंसर और टाइमिंग सेंसर में कितना करंट आना चाहिए, तो ज़ाइलो का मेरा एक पिछला वीडियो पड़ा है, उसमें आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि किसमें कितना करंट आना चाहिए। तो उस डिटेल का वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अब एक बार चलते हैं टाइमिंग सेंसर की तरफ और इसमें दिखाते हैं फॉल्ट क्या है। तो वीडियो कुछ सेकंड के लिए पॉज कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा टाइमिंग सेंसर लगा है यहाँ पे नीचे और ये इसका कपलर है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही, ये कपलर लगा है। अब हम लोग इसको कपलर को बाहर निकालते हैं और एक बार इसकी वायरिंग चेक करते हैं, इसमें क्या फॉल्ट है। वैसे फॉल्ट मैंने ढूंढ लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ इसे फॉल्ट क्या है। बहुत छोटा सा भी फॉल्ट है लेकिन कहीं अगर फंस जाते हैं। इस गाड़ी में दिक्कत ये आ रही थी शुरुआत में कि जैसे ही गाड़ी गर्म हो रही थी, ठंडी गाड़ी तो आराम से स्टार्ट हो रही थी लेकिन जब थोड़ी गर्म होती थी गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होती थी। तो अभी एक बार इस कपलर को बाहर निकालते हैं और इसका फॉल्ट दिखाते हैं फॉल्ट क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका टाइमिंग सेंसर का कपलर है और ये इसकी वायरिंग है। तो इसमें फॉल्ट कहाँ है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और बहुत ही छोटा सा फॉल्ट है इसमें, और लेकिन अगर गाड़ी कहीं फंस जाती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रास्ते में दे सकती है। तो देखिए, ये इसकी वायरिंग है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं, अभी पहले यहाँ से चेक करते हैं। देखिए, ये इसकी टेपिंग है और ये देखिए हम लोगों ने चेक किया था तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल टेपिंग अभी भी है। ये देखिए यहाँ पे टेपिंग है। तो हम लोग इसको पूरा तार जब चेक कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये वाला तार अंदर से, जो कि हम लोग स्टार्ट करके भी देख चुके हैं इसको, तो देखिए ये वाला तार, ये हमारा यहाँ से टूटा हुआ था। तो अब मेरा ख्याल इसमें होता ये होगा, ये गाड़ी कहीं तार छुआ रहता होगा और ये स्टार्ट हो जाती होगी। उसके बाद जब ये तार गर्म होने पे किसी वजह से ये जब अलग होता होगा तो ये तार हमारा जब पूरी तरह से अलग होता होगा तो ये मेरा ख्याल बीच से जो ब्रेक है कनेक्शन कट जाता होगा, इस वजह से स्टार्ट नहीं होती। तो अब हम लोग इसको तार को जोड़ते हैं और इसको एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। फिलहाल अभी तार टेम्परेरी जोड़ के इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसको परमानेंट करेंगे। तो आपको दिखाने के लिए इसको स्टार्ट एक बार टेपिंग कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा तार जो आया है वो ECM की तरफ से आया है और ये जो तार है हमारा कपलर साइड, मतलब जो गया है वो टाइमिंग सेंसर की तरफ, तो ये तार हमारा बीच से ब्रेक था यहाँ से ऐसे। तो हम लोगों ने इसको छील के और जोड़ के टेस्टिंग कर ली है, लेकिन मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि जो फॉल्ट हमारा था वो ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए, ये तार हम लोग नीचे ले आए हैं और ये हम लोगों ने जोड़ लगाया है। तो अब इसको टाइमिंग सेंसर में लगाते हैं और गाड़ी में सेल्फ लगवाते हैं, देखते हैं गाड़ी में सेम सिचुएशन है या गाड़ी से हमारी स्टार्ट होती है। तो एक बार वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए, कपलर हम लोगों ने लगा दिया है
ये कपलर हमारा लग गया और ये तार लग गया, और देखिए यहाँ पे जोड़ है। तो अब हम लोग इसमें एक बार सेल्फ लगवा के देखते हैं कि गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है या सेम प्रॉब्लम कर रही है। भाई स्टार्ट करो ज़रा। तो देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग सेंसर की प्रॉब्लम थी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट के लिए वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। तो देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और जो इसमें प्रॉब्लम थी वो टाइमिंग सेंसर की प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे देखिए बात फ्रेंड्स एक नोटिस करने वाली और भी है। अगर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे और इसका साउंड आप सुनेंगे तो गाड़ी हमारी स्टार्ट जैसी हो रही थी लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हद तक जो हमारा फॉल्टी होता है वो टाइमिंग सेंसर फॉल्टी होता है। और ये ज़्यादातर गाड़ियों में ये होता है कि अगर टाइमिंग सेंसर फॉल्टी होता है या उसकी वायरिंग फॉल्टी होती है तो जो गाड़ी हमारी स्टार्ट जैसी हो रही थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो ये कहीं हद तक टाइमिंग सेंसर का ही फॉल्ट होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा, किसी को ज़रूरत हो तो शेयर कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।